शिव के दरवेश चैनल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। आस है तुसी सब ठीक होवोंगे। अज दी आपां इस वीडियो दे विच गल करांगे। जो लोग ये गल कहिंदे ने कि मेरा रब मेरा मुरशद मेरी नहीं सुनदा, मैं बहुत उन्हां नूं दुआवां कर करके थक चुक्या पर वो मेरी नहीं सुनदे, हुण तां मेरा विश्वास घटदा जा रहा। अज दी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। समा ना खराब कर दो, सीधा वीडियो वाल चलते हैं जी। एक रब दा मुरीद सी, वो रब नूं बहुत मानदा सी, रब दे वो मुरीद बहुत ही ज़्यादा नज़दीक सी। ता एक दिन वो रब दे एक घर गया, उत्थे जाके वो कहिंदा कि तुसी सारा दिन मूर्ति बन के खड़े रहने हो, तुसी इदां करो तुसी घूम आओ ते मैं तुहाडी थां मूर्ति बन के खड़ा हुन्ना। मुरीद इन्नी गल रब नूं कहन लग्या। रब कहिंदा ठीक है तू इदां कर, तू मेरी थां ते आ जा, पर शर्त एक है, इत्थे जो भी आवे जो भी कुछ मंगे तू कुछ नहीं बोलना, जो भी कुछ हो रहा किसे नाल तू बोलना नहीं, जो हुंदा है वो हो ही जान दी। मुरीद कहिंदा कि ठीक है मैं किसे नाल नहीं बोलांगा, तुसी घूम आओ। तो रब उत्थों चला जांदा ते वो मुरीद मूर्ति बन के उत्थे खड़ जांदा। तो सब तो पहला उत्थे सलाम करन एक वपारी आंदा, वपारी सलाम करदा। तो जदों वो सलाम करके जान की कोशिश करदा तो उहदे पेंट दे विच्चों जेब विच्चों परस डिग पैंदा, उहनूं पता नहीं चलदा। तो वपारी सलाम करके उत्थों चला जांदा। बाद दे विच एक बहुत ही गरीब व्यक्ति उत्ते सलाम करन आउंदा। जदों वो सलाम करन आउंदा तो वह कहिंदा कि हे रब्बा मैनू थोड़े जे पैसे दे दो, किवें ना किवें मेरे ते किरपा कर दो, मेरे घर अज रोटी बनाउण नूं भी पैसे नहीं आ, मेरे कोल अपना घर खर्च चलाउण तक दे भी अज पैसे नहीं आ, मेरे बच्चों नूं भुखा सौना पवेगा, किरपा करो। तो इन्नी गल कह के जदों वो गरीब व्यक्ति पिछे मुड़दा तो उन्हूं परस दिस जांदा। परस दे विच्चों वो पैसे लैके अपने घर चला जांदा। तो जदों उस तो बाद एक उत्थे किश्ती चलाउण वाला आउंदा, वो आके सलाम करदा ते कहिंदा कि हे रब्बा मैं 15 दिनां दे टूर ते जाणा, ये टूर पानी दे विच ही होवेगा, ते तुसी अपना हाथ मेरे सिर ते रखियो, मैं सही सलामत घर वापस मुड़ावां। इन्नी गल कह के वो किश्ती वाला जदों पिछे मुड़िया तो उन्हें वेख्या कि पुलिस आई हुई है। तो पुलिस नूं वो व्यक्ति जिहदा परस डिग्गिया सी वह लैके आया सी। वो व्यक्ति कहिंदा कि इहने ही मेरा परस चुक्या है, मेरे तो बाद इस मंदिर दे विच यही आया, इस रब दे घर दे विच यही आया। रब दा मुरीद जो मूर्ति बन के सब कुछ देख रहा सी, उन्हें वेख्या कि पुलिस एक बेकसूर किश्ती वाले नूं लैके जा रही है। तो वह बोल पैंदा, कहिंदा परस इहने नहीं चुक्या, इत्थे पहलां एक गरीब व्यक्ति आया सी, परस उहदे कोले है, तुसी जाके उहनूं फड़ लो। पुलिस वाले उहनूं जाके फड़ लैंदे ने ते वह किश्ती वाले नूं छड्ड दिंदे ने। तो जदों शाम हुंदी है रब वापस आउंदा तां वह अपने मुरीद नूं आके कहिंदा कि तू जिवें मैं कहा सी उवें कीता ना, किसे विच बोलिया तां नहीं। तां मुरीद कहिंदा कि एक किश्ती वाले नूं फड़ के लैके जा रहे सी, वह बेकसूर सी, तां मैं उत्थे बोल पिया, मैं उस गरीब व्यक्ति नूं फड़ा दिता जिन्हें परस चुक्या सी। तां रब कहिंदा कि मैं तैनूं कहा सी भी तू बोलना नहीं, जो भी कुछ हो रहा चुप चाप तू देखना है। रब कहिंदा कि मैं अपने मुरीदां लई सब कुछ सोचा होया सी ते तू विच नहीं बोलना सी। तां रब इन्नी गल कह के अपने मुरीद नूं कहिंदा कि तू सारा कुछ गलत कर दिता। मुरीद कहिंदा कि मैं की गलत कीता जी। रब कहिंदा कि जिस इंसान दा परस डिग्गिया सी वह ज़्यादा अमीर सी, उस परस दे विच इन्ने पैसे नहीं सी कि उन्हूं कोई बहुत वड्डा घाटा पैंदा, इस करके उसके परस विच्चों जो पैसे गायब भी हो जाते तो कोई ज़्यादा उसनूं घाटा नहीं पैना सी, ते जो गरीब व्यक्ति आया सी उसके घर का गुजारा हो जाना सी, ते जो किश्ती वाला आया सी वह किश्ती वाला 15 दिनां दे पानी दे टूर ते चलिया सी, उत्थे बहुत ही ज़्यादा वड्डा तूफान आउण वाला सी, इस करके मैं उन्हूं पुलिस तो फड़ा के घर ही रख लेना सी।
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਲੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ਿਵਕਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।